अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज हम रिव्यू कर रहे हैं टोयोटा पारारो TX विच इज़ 2011 मॉडल एंड ये फेसलिफ्ट है। सो आइए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आइए लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the bank. Legacy. Stance full of press to the damn all day. Sticking up sides, free, never mind me. Point to the ground, stick down to the feet. Stay, please stay, bitch, you got no key. Never take a seat, bitch, you never gon' see. Play with the cape when I run a long back. Change when I say that I stay with the Mac. Fake with the niggas coming back to the wreck. Late to the game that I watch no back. गाड़ी में आ चुके हैं, सो गाड़ी को अभी स्टार्ट करते हैं। बटन प्रेस किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं गाड़ी हो गई है स्टार्ट। अच्छा गाइस, एसी को ऑन करते हैं हम। ये प्रेस किया और एसी का बटन प्रेस किया, सो एसी भी खुल गया। अच्छा गाइस, आप देख सकते हैं आरपीएम मीटर दिए गए, स्पीडो मीटर दिए गए और स्पीडो मीटर के नीचे एक फ्यूल गॉज दिया गया है और बीच में आप देख सकते हैं इसमें छोटी सी एलईडी दी गई है जिसमें ये पार्किंग वगैरह और किलोमीटर्स वगैरह का बता रहा है। और अब हम आ जाते हैं स्टीयरिंग पे, तो आप देख सकते हैं स्टीयरिंग पे मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है, वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है और यहाँ एक एयरबैग दिया गया है। अभी हम साइड ग्लास भी खोल लेते हैं, साइड ग्लास खोल गए। अच्छा गाइस, आप लोग देख सकते हैं इसमें क्लाइमेट कंट्रोल एसी दिया गया है और बर्थ अच्छा कूल कर रहा है एसी भी। अच्छा गाइस, आप देख सकते हैं इसमें एलसीडी दी गई है, इसको हम थोड़ा सा ऑपरेट भी कर सकते हैं, इसमें ब्लूटूथ सिस्टम है और हम थोड़ा सा ऑपरेट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसमें दी गई है, सो दैट्स ऑल्सो गुड। और जब हम आपको इसकी कंपार्टमेंट दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं इसको बटन को प्रेस के आगे भी हो जाता है और पीछे भी रहता है, इट्स लाइक आर्म रेस्ट। और अब इसको ओपन करते हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है इसमें और यहाँ पे भी एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिया गया है। और आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स, ये आप देख सकते हैं। अच्छा गाइस, आप देख सकते हैं ये हैंड ब्रेक, हम इसको नीचे कर देते हैं और आपको थोड़ा गियर्स वगैरह भी दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हम इसको रिवर्स पे ले आते हैं, कैमरा भी आप देख सकते हैं, ये हम न्यूट्रल पे लिया है, ये हम ड्राइव पे लिया है। अच्छा गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ भी एक कंपार्टमेंट दिया गया, इसको हम प्रेस करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में बड़ी अच्छी स्पेस दी गई है इसमें। अच्छा गाइस, आप इसके एसी विंड्स चेक कर सकते हैं, अगर उस साइड पे भी दिखाएं तो इस साइड पे भी। सो एसी भी गाइस आप देख सकते हैं ऊपर लाइट्स दी गई हैं। अच्छा गाइस, अगर हम इसके रिमोट की बात करें तो आप देख सकते हैं पीछे टोयोटा का एम्बलम दिया गया है और फ्रंट साइड पे लॉक अनलॉक और ये जो लास्ट वाला है ये है ट्रंक का बटन, तो इसको प्रेस करेंगे तो ट्रंक भी हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये फीचर्स दिए गए हैं इसमें। अच्छा गाइस, आप देख सकते हैं इसमें वैनिटी मिरर्स भी दिए गए हैं, ये अभी पन्नी लगी हुई है इसलिए सही ओपन नहीं होगा लेकिन आपको थोड़ा तो दिख जाएगा। और ऐसे ही इस साइड पे भी है। अच्छा गाइस, आप देख सकते हैं इसमें डोर पैनल्स दिए गए हैं और डोर पैनल्स में ये विंडोज ओपन क्लोज का दिया गया है और ये लॉक अनलॉक और यहाँ अगर आ जाए तो आप देख सकते हैं पुश स्टार्ट बटन दिया गया है। अच्छा गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं हम और यहाँ आप आ जाए तो यहाँ पे वाइपर्स का सिस्टम दिया गया है, ये देख सकते हैं। अच्छा गाइस, आप देख सकते हैं इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है यार, ये आप देख सकते हैं वेरी स्मूथ। गाइस, अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं एक स्पीकर यहाँ दिया गया है, एक उस साइड पे दिया गया है, एक नीचे दिया गया है और एक इस साइड पे भी नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं।
सो यू कैन सी। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कंपार्टमेंट दिए गए हैं यहाँ पे, कप होल्डर्स दिए गए इधर भी, और बड़ा अच्छा स्पेस दी गई है। और ऐसे ही उस साइड पर एंड लाइक दैट ऑन द बैक साइड ऑल्सो। और अब हम बैक साइड की तरफ बढ़ते हैं आगे गाइस। अच्छा गाइस, हम बैक साइड की तरफ आ जाते हैं। अच्छा गाइज, अगर हम बैक साइड की बात करें तो यार सिटिंग फुल कंफर्टेबल है, और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी कप होल्डर्स दिए गए हैं, साइड पे कंपार्टमेंट दिए गए हैं। और ये गाइज ऊपर बड़ी अच्छी LED दी गई है, हम इसको बटन को प्रेस करेंगे और ये खुल जाएगी। आप देख सकते हैं पीछे एयर कंडीशन दिए गए हैं, सो दिस इज ऑल्सो द गुड थिंग। अच्छा गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडल्स दिया गया है, लेकिन ये अभी पन्नी लगी हुई तो इस वजह से खुल नहीं पा रहा, लेकिन दैट्स ऑल्सो गुड। अच्छा गाइस, आप देख सकते हैं ऊपर लाइट्स दी गई हैं, हम इसको ओपन कर सकते हैं, और ये आप ऊपर देख सकते हैं हैंडल। अच्छा गाइस, अब हम आप लोगों को पीछे ट्रंक की तरफ लेके चलते हैं, सो आइए लेट्स गो। अच्छा गाइस, आप लोग ट्रंक में देख सकते हैं काफी अच्छी स्पेस एंड कैपेसिटी दी गई है। अच्छा गाइज, अगर हम पीछे के लुक की बात करें तो आप देख सकते हैं पीछे का लुक बहुत शानदार है, और यहाँ आप देख सकते हैं टोयोटा का एम्बलम दिया गया है, और लाइट्स आप देख सकते हैं लाइट्स बहुत शानदार हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे TX का एम्बलम दिया गया है, इसमें क्रोम की फिनिशिंग भी दी गई है। अच्छा गाइज, अगर हम फ्रंट के लुक की बात करें तो फ्रंट का लुक बहुत शानदार है, और आप देख सकते हैं टोयोटा का एम्बलम दिया गया है, और आप देख सकते हैं ये DLR दिए गए हैं, और हैलोजन लाइट्स दी गई हैं, फॉग लैंप्स दिए गए हैं। अच्छा गाइज, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी एस्टीमेट प्राइस 1,05,00,000 है, और ये 2700 cc है। गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू कैन नॉट मिस एनी वीडियो।